अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और सुबह सुबह का ब्यूटीफुल व्यू, सूरज भी निकल चुका है ये देखिए। और यहाँ पे मेरा चकोर पराठा रेडी हो रहा है, साथ में व्लॉग देख रही हूँ, साथ मेरी टी रेडी हो रही है। अब मैं पराठा बना के आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसा पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चकोर पराठा डाल दिया है और मज़ेदार दूध पत्ती टी भी रेडी हो रही है। और यहाँ हमने रात को चिकन बनाया था, बहुत टेस्टी था। और आयरा की रोने की आवाज आ गई है, देखते हैं आयरा क्या कर रही है। ये आयरा, आयरा किधर है? ओ माय गॉड, ये बाथरूम में बंद हो गई थी। हनी ये बाथरूम में बंद हो गई थी। ओ मैं समझी आपके पास है, ये बाथरूम में जाती, इसलिए लाइट ऑफ कर रखा करें, लाइट ऑन होती है तो ये चली जाती है बाथरूम में। ओह आज का मुझे कंटेंट मिल गया, आयरा बाथरूम में बंद हो गई। ओ मेरा बेबी बाथरूम में बंद हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है ठीक है। यहाँ एक पराठा बन चुका है, थोड़ा जल गया है शायद, ज़्यादा ब्राउन हो गया है। और यहाँ पे एक बन रहा है, अल्लाह ना करे कि ये भी मतलब ब्राउन हो जाए ज़्यादा, क्योंकि यार मैं रेड आटे के पराठे बना रही हूँ तो मुझे ना ये रेड आटे के पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मैं मुझे ना ज़्यादा व्हाइट आटा पसंद है, खास करके पराठे व्हाइट आटा के। तो आज मैंने जो है वो पाकिस्तानी वो आटा खरीदा था रेड चक्की का, तो वो कुछ ज़्यादा ही चक्की का है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा पराठा कितना खूबसूरत दे रहा है, और बस ये अच्छे से बन जाएगा। फिर मैं नाश्ता लगाऊंगी, नाश्ते में आए रखी ऑमलेट और ये अनराइज की फ्रेश क्रीम खाते हैं हनी। और व्यू यार, ये भी मैंने ना प्लेट से रोटी निकाल के यहाँ रखी है, सूख गई है रात को। तो मुझे जो है वो रेड आटा इतना पसंद नहीं है, बट आज मेरे पराठे जो हैं वो रेड आटा के बन रहे हैं। मुझे ना वाइट आटे के पराठे बहुत पसंद है, और मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है कि मैं बाहर कहीं जाऊँ, और बाहर जाके मैं जो है वो बाहर जाके मैं ना नाश्ता करूँ, आलू का पराठा, हलवा पूरी, पाकिस्तानी नाश्ता जो प्रॉपर होता है। तो अभी देख मेरा पराठा कितना मज़ेदार लग रहा है। और यहाँ मेरा एक बन चुका है भाई, ये ज्यादा रेड हो गया था। और हम खाते तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन आपका नाश्ता रेडी है? नाश्ता रेडी है, आपके बाल रेडी नहीं है, अभी आप बालों में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका नाश्ता मेरा लेट नहीं है, आपके अभी तक हेयर नहीं बने हैं। और आपने ये देखे, ये इसका पानी का वो बटन नहीं बंद किया। जब तक आपके बाल रेडी होंगे मेरा नाश्ता रेडी हो चुका होगा, मेरा सिर्फ एग बनाना रह गया, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। इनका है रोजा, छलकी कर दूं, बहुत तेज हो रही है। आउच, ओके, धुआं काफी बन रहा है। अगर मैंने ये एग्जॉस्ट लगा दिया तो फिर हवा इतनी नहीं आएगी, सर आवाज आप लोगों को मेरी नहीं आएगी, तो ये बंद ही कर देती हूँ तो ठीक है। तवा बहुत गर्म हो चुका है, बस अब एग बना लूँ, हल्का सा नमक डाल दूँ जल्दी से। और मैं बड़ी चलाती हूँ अपनी प्लेट बचाने के लिए, ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो, तो मैं एक ही दोनों अंडे एक ही इसमें बना देती हूँ, एक ही प्लेट में, ताकि निकाल लूँ और एक ही बारे में दोनों एग्स डाल देती हूँ। तो चाय भी गर्म हो चुकी है, बहुत उबाल आ चुका है, इसे बंद कर दूँ। और हनी का ड्रायर ऑन हो गया, अब अपने बाल सुखा रहे हैं, बस इसको जल्दी से अंडा बना के प्लेट में निकाल के और टी रेडी कर देती हूँ। तो ये मज़ेदार दोनों, हस्बैंड वाइफ की टी, बेटी का एग, हस्बैंड वाइफ का एग, और ये पराठे, एंड शहद भी साथ रख लेती हूँ, मे भी इनको ज़रूरत पड़ जाए हमी को, तो इसी में रख देती हूँ। और अब इसको लेके जाती हूँ रूम में, और हमेशा मैं रसोहान बिछाती हूँ, आयरा सबसे पहले जाके बैठ जाती है रसोहान। यहाँ पे आयरा के कार्टून्स लगे, मैंने अपनी डॉल को कैसे टेबल पर सेट किया हुआ है। और ये मैडम जी आके बैठ चुकी हैं। आयरा गर्म है बेटा, डोंट टच, नो। तो ये सबसे पहला के दस सुहा में बैठती है, इसकी बहुत अच्छी आदत है माशाल्लाह। और अभी इसने अपने काम स्टार्ट कर दिए। ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दोनों दोनों एक्स पे हमला कर दिया है। मैं अपनी साइड पे खा रहा हूँ,
नहीं अभी प्लेट तो आपने बिल्कुल अपने पास, मैं कितनी दूर बैठी हुई हूँ आपसे। ये सेंटर है देख लो, मुनाफा कर रही हूँ सेंटर में। सेंटर में नहीं, अभी आपने फिंगर से आगे किया, रिकॉर्ड है अभी रिकॉर्ड है। मैंने ऐसे क्यों, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता था तो फिर क्योंकि मैंने वो नीचे नहीं। आजकल वैसे भी आप अंडे और पराठों पे बड़ी वो करते हैं कि अच्छा पराठा और नहीं, मैंने वो शूज पहने हैं तो जैसे जाए वो मैं नहीं आ किधर है आपके शूज, आपने शूज पहने आप कितने ड्रामे कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है और ये हमारी बिल्ली माँ। तो सुबह में आप लोगों ने जब ब्लॉग स्टार्ट किया होगा तो आप लोग देख चुके होंगे, अब तो शाम हो रही है और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, आयरा सो गई थी, अभी आयरा उठे की आयरा को चेंज करूंगी, साथ कपड़े धो रही हूँ और मैं शाम के टाइम ही ज्यादा काम करती हूँ। तो आयरा कम है, तो आयरा अभी रो रही है, मुझे आवाज आ रही है उसकी, मैं उसे बुला रही हूँ पर वो नहीं आ रही, वो चाह रही है मम्मा आए और मुझे उठाए और मुझे लेके जाए। इसके बाबा आजकल उनकी ड्यूटी टाइम चेंज हुआ है तो मेरा भी काम करने का टाइम चेंज हुआ है, नाश्ता किया उसके बाद आयरा सो गई और मैं भी लेट गई। उसके बाद अभी जो है वो मैं घर के काम स्टार्ट करूंगी सारे, मोबाइल इस तरह पकड़ती हूँ तो मेरा हाथ थक जाता है, वो पीछे व्यू भी आपको कितना अच्छा लगता होगा ना दुबई की बिल्डिंग्स। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने लिए लूंगी सेल्फी स्टैंड या स्टिक कुछ भी। तो ये देखें मैं जहां से भी पकड़ती हूँ ना मेरा बस हाथ थक जाता है, मुझे प्रॉब्लम होती है इसमें, उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं। तो आपसे ये शेयर कर रही थी कि सुबह आयरा जो है आजकल पता क्या करती है, उसको डोर बंद करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करती है जब बाथरूम जाती है रूम में जाती है वो डोर बंद कर देती है। इवन कि हम लोग जब बाहर जाते हैं और बाहर से वापस आते हैं तो वो कहती है कि नहीं डोर मैं क्लोज करूंगी, तो वो डोर क्लोज करती है, तो उसको डोर क्लोज करता है होता है जब आवाज आती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल इसने एक नया काम पकड़ा हुआ है, ये बाथरूम जाती है और बाथरूम जाकर ये अंदर से डोर बंद कर देती है। थैंक गॉड कि लॉक नहीं है और कुछ ऐसी चीज नहीं है, लॉक हमने और उसका बंद किया हुआ है ताकि लॉक ना हो जाए बिल्कुल। और ये मेरी प्यारी सी डोल सो रही है, हल्की हल्की सी आईज ओपन हो रही है और बस अब मैं जल्दी से जाती हूँ थोड़ा सा काम कर देती हूँ, क्योंकि जब ये सोती है तभी मैं कोई काम करती हूँ। बाय बाय माय स्वीटहार्ट। तो सबसे पहले हनी ये जीन्स उतार के गए थे और ये इनका वाइट शर्ट्स वगैरह हैं, तो वो कह रहे थे कि ये वॉश कर देना, तो बस मैं भी किचन में ही जा रही हूँ उनको लेके। मैं वहाँ पे कुछ कपड़े पहले से हनी के रखे हुए हैं वो हनी ने मुझे दिए थे, तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ ऑफ, किचन भी गंदा हो रहा है वो भी साफ करती हूँ। ऑलरेडी मैं इसमें हनी के ही कपड़े डाल चुकी हूँ और इनके वाइट वाइट कपड़े हैं ये भी मैं डाल देती हूँ। मुझे लग रहा है अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो मुझे लाइट ऑन करनी चाहिए, फ्लैश ऑन कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने फ्लैश ऑन कर ली और यहाँ पता नहीं कैसा लग रहा है, बस मैं हनी की जीन्स वगैरह और वाइट शॉर्ट्स वगैरह ये मैं जल्दी से धो देती हूँ, ये मैंने सारे कपड़े इसमें डाल दिए हैं। और कुछ कपड़े वॉश किए थे कल आयरा और आयरा के बाबा के, अब सर्दियाँ हैं और हमारे सॉक्स वगैरह मैंने यहाँ रखे हैं, तो सर्दियों की वजह से ना कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं है, फिर स्मेल आ जाती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे एक दो दिन तो यहाँ रखती हूँ ताकि अच्छे से धूप लगे और कपड़े जो हैं। मेरा हॉल बिल्कुल साफ सुथरा था, बस ये थोड़े से टिश्यूज हैं, ये आयरा टिश्यूज की दुश्मन है और ये टिश्यूज उठा के फेंक देती है। तो अभी मिलते हैं आपसे साथ। तो ये देखें आयरा आ चुकी है और आयरा के सर पे मास्क है और आयरा अपना बेबी टॉय भी लेकर आई है जिसके बगैर ये बिल्कुल भी नहीं रहती है, जहां भी जाती है जिधर भी जाती है इसको लेके जाती है। इवन के मेरे पास एक और है रेड कलर का, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो बिल्कुल साथ रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि व्यूज नहीं आ रहे और इस तरह जब एक इंसान इतनी मेहनत करके इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है और आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते और आगे शेयर नहीं करते, तो फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। मैं दो दिन से पूरी वीडियो नहीं बनाई और मैं आज बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ब्लॉग को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट। ये देखिए कि मेरा रेड कलर का, इसने मेरे ग्लासेस भी इसने पहने हुए हैं ये रेड कलर का, बट ये आयरा लाइक नहीं करती। ये वैलेंटाइन डे पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए था और हस्बैंड भी मेरे लिए ले आए थे। और इस टाइम रूम की हालत देखें, क्योंकि मैंने सारी कबर्ड्स वगैरह साफ किए हैं, यहाँ पे मेरी सारी जीन्स शर्ट्स कुर्ते और जो मेरे और यहाँ मेरे सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस यहाँ रखे हैं और इनमें कुछ मेकअप और बालों के सामान और बाकी चीज़ें हैं मेरी।
पीछे मैंने आयरा की तमाम ड्रेसेस रखी हैं और इसमें मैंने आयरा के सॉक्स वगैरह इस बास्केट में और आयरा की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं नीचे जो है वो सारे शूज वगैरह मैंने रख दिए हैं मेरे और एक कब्बर से ऊपर तो हमने बेडशीट वगैरह रखी हैं। ये भी रेडी हो गया। अभी ये जो गन बना है इतना सारा अभी मुझे ये साफ करना है और अभी रूम की सफाई रहती है क्योंकि रूम बहुत गंदा हो गया है। और ये सारे जो है हस्बैंड की ड्रेसेस हैं, ये सब उनकी ड्रेसेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारे ड्रेसेस अपने हस्बैंड की शेयर करूंगी कि वो कैसी ड्रेसिंग करते हैं, क्या करते हैं। और इनके ये तमाम ड्रेसेस जो हैं वो ज़ारा ब्रांड के हैं। तो इंशाल्लाह मैं सारे हस्बैंड की जो है वो कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। लेकिन अभी जो है वो क्या कहते हैं, अभी जो है मैं बस रूम क्लियर कर लूँ। वैसे तो एक बार सफाई कर चुकी हूँ बट मैं साथ सफाई कर रही थी, साथ चीज़ें जमा कर रही थी और आयरा जो है वो चीज़ें इधर से उधर उठा उठा के फेंक रही थी, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत जो कचरा है मैं जल्दी जल्दी हाथ से उठा लेती हूँ। तो आयरा बहुत डिस्टर्ब करी और उसने पूरा वो स्टैंड जो है वो कपड़ों वाला गिरा दिया। वो मेरे काम बढ़ाती रहती है, किसके बाबा और एक ये दोनों मेरे काम बढ़ाते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अब मैं आपको शाम का व्यू भी दिखा देती हूँ साथ साथ। और ऐसा ऐसा ये लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत प्यार लग रहा है शाम का व्यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग इससे बेहतर और इससे अच्छा होगा, उम्मीद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।